नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आई नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल 12 मई को 12वीं का परीक्षा परिणाम जारी करेगा। मंडल के जनसंपर्क अधिकारी एस के चौरसिया ने बताया कि हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम 12 मई शाम 4 बजे स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री दीपक जोशी की उपस्थिति में घोषित किया जाएगा। ये घोषणा मंडल मुख्यालय स्थित विज्ञान भवन के सभा कक्ष में की जाएगी। छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक शाम 4 बजे के बाद इंटरनेट के माध्यम से संबंधित वेबसाइट्स पर परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। प्रदेश में नायब तहसीलदार के खाली पदों को भरने के लिए सरकार 19 साल बाद विभागीय परीक्षा आयोजित करेगी। इसके लिए राजस्व विभाग ने जूनियर प्रशासकीय सेवा नियम में बदलाव कर दिया है। परीक्षा एमपी ऑनलाइन से कराई जाएगी। इसमें राजस्व निरीक्षक, पटवारी कमिश्नर, कलेक्टर और भू अभिलेख कार्यालय में काम करने वाले बाबू भी हिस्सा ले सकेंगे। 45 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारी परीक्षा नहीं दे सकेंगे। राजस्व विभाग में तहसीलदार से लेकर पटवारी स्तर के कई पद खाली हैं। पदोन्नति में आरक्षण रद्द किए जाने के बाद पदोन्नतियों को लेकर असमंजस की स्थिति है। प्रदेश में बेसहारा और गरीबों के लिए शहर, धार्मिक स्थल और ग्रामीण इलाकों में रेन बसेरा बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक मदद देगी। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए नगरीय क्षेत्र में नगरीय विकास और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और ग्रामीण विकास को नोडल एजेंसी बनाया है। इसके साथ ही रैन बसेरों में अब सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए पंजीयन भी होगा। प्रदेश में अभी सामाजिक न्याय विभाग के पास जमा होने वाली निराश्रित निधि से रैन बसेरा बनाए जा रहे थे। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों में अब नगरीय निकाय प्रोजेक्ट बनाएंगे। नगरीय विकास विभाग इन्हें केंद्र सरकार को भेजकर आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र और धार्मिक महत्व की जगहों पर पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग इन्हें बनाएगा। भवन निर्माण के लिए पूरी राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि बाकी खर्चों के लिए 25% राशि राज्य सरकार को लगानी होगी। अनियोजित शहरीकरण के चलते राजधानी भोपाल में पिछले 2 दशक में 44% हरियाली कम हुई है, जिसका सीधा असर पर्यावरण में असंतुलन, गिरते जलस्तर और बढ़ते तापमान के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि विकास कार्यों के फेर में लगातार हो रही पेड़ों की कटाई अगले कुछ वर्षों तक रुकने वाली नहीं है। हरियाली में आई इस बड़ी गिरावट का खुलासा करने वाली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की रिपोर्ट बताती है कि हालात नहीं सुधरे तो 2030 तक हरियाली सिकुड़कर महज 4.10% से कम रह जाएगी। पिछले 2 दशक पहले हरियाली 66% थी और अब ये 22% रह गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMSTV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार। पूरे मध्य प्रदेश की लड़कियों को हमारी सरकार पढ़ाएगी। लड़की पढ़े, समाज बढ़े। आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश।